हेलो दोस्तों, स्वागत है शिक्षा दर्शन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इसमें आज हम लोग बायोलॉजी का 9th चैप्टर कहने का, हम लोग ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व करेंगे विथ लॉजिक। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुली नुमा आकृति निकली होती है। कैसी निकली होती है? अंगुली नुमा आकृति निकली होती है, ऐसे ऐसे आकृति निकली होती है। किस पे? छोटी आंत की आंतरिक सतह पर। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? तो उनको कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं उसको? उसको इंग्लिश में कहते हैं विलाई। हिंदी में कहेंगे उसको दोस्तों, क्या कहेंगे हिंदी में? हिंदी में कहेंगे रसांकुर। क्या कहेंगे उसको? रसांकुर। अब कहेंगे इसको तो रसांकुर कहते हैं, बिलाई कहते हैं, जो अंगुली नीमा आकृति निकली होती है। किसमें? छोटी आंत में। इसका काम क्या है? इसका काम है जो पचा हुआ भोजन होता है, जो पचा हुआ भोजन होता है, भोजन उससे क्या करता है? उससे पोषक तत्व को अवशोषित करता है। क्या करता है? पोषक तत्व, जो उसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं भोजन में, उसको क्या करना है? उसको अवशोषित करता है। क्या करता है? उसको अवशोषित करता है, पोषक तत्व को अवशोषित करता है। तथा अवशोषण के पश्चात जो अपचित होता है उसको क्या करता है? जो अवशोषण के पश्चात जो अवशोषित कर लिया उसके पश्चात जो अपचित जो भोजन बच गया उसको क्या करेगा? तो बड़ी आंत में ट्रांसफर कर देता है। क्या कर देता है? बड़ी आंत में ट्रांसफर कर देता है। कौन? बिलाई या रसांकुर। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, शरीर में बिलाई कहाँ पाया जाता है? जो रसांकुर है, रसांकुर या बिलाई, वो कहाँ पाया जाता है? तभी देखिए, छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। छोटी आंत में कहाँ? आंतरिक सतह पर। कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत की आंतरिक सतह पर पाया जाता है। देखिए, रेल एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, इसका ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, पढ़िए, कह रहा है, छोटी आंत की आंतरिक परत में कई अंगुलियों जैसी प्रवर्ध संरचनाएं होती है जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बिलाई या रसांकुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिलाई या रसांकुर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, एंजाइम का नाम बताएं जिसका प्रयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। कौन सा एक एंजाइम है दोस्तों? क्या है? एंजाइम है जिसका प्रयोग क्या करता है? जो प्रोटीन है उसको पेप्टाइड में क्या करना है? रूपांतरित करना है। किसमें? पेप्टाइड में क्या करता है? रूपांतरित करना है। कौन सा एंजाइम है दोस्तों? आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी चैनल के नाम से, शिक्षा दर्शन के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें PDF नोट्स जो इस चीज का रिक्वायरमेंट हो उसमें कमेंट करें, और कमेंट करने के बाद क्या होगा दोस्तों कि हम उसमें क्या करेंगे? PDF वगैरह जो होगा उपलब्ध कराएंगे, और ऐसी प्रकार से चल भी रही है। तो आप उस चैनल से नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करें। तो इसका जो एंजाइम है वो एंजाइम है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? वो एंजाइम का नाम है दोस्तों, एंजाइम का नाम है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम है दोस्तों पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? वो करेगा, पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा कि पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? उन स्थितियों में भोजन के पचाने की मदद करेगा। पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन उन स्थितियों में भोजन की पचाने का क्रिया करेगा दोस्तों। कब करेगा? पेप्सिन का काम कब होगा? जब पाचन तंत्र द्वारा भोजन को पर्याप्त मात्रा में नहीं पचाया जा सके। जब पाचन तंत्र भी हार जाएगा, पाचन तंत्र भोजन को पर्याप्त मात्रा में नहीं पचा पाएगा, तो तब क्या होगा? पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा?
रिलीज करेगा, क्या करेगा, पेप्सिन एंजाइम रिलीज करेगा भोजन को पचाने के लिए। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेप्सिन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारे जीव पर कौन सा अभिग्राही स्थित होती है, कौन सा अभिग्राही जो है दोस्तों वो स्थित होती है किस पे, हमारे जीव पे। तो हमारे जीव पे रसन, कौन सा रस संवेदी ग्राही, कौन सा रस संवेदी ग्राही स्थित होती है। हमारा जीव का है दोस्तों चार भाग होता है, कौन कौन सा, पहला होता है अग्रभाग। अग्रभाग में क्या होता है, इसमें जो रस रसनवेदी जो है, रसनवेदी वो क्या करता है, हमारे टेस्ट को बताता है। जीव का काम क्या है, टेस्ट को, स्वाद को, स्वाद को क्या करना, बताना, पता करना कि कौन सी स्वाद है। तो जो जीव का जो आगे वाला भाग है दोस्तों, आगे वाला भाग, इस पे कौन सा टेस्ट होता है, इस पे सिर्फ मीठा टेस्ट होता है। जब आप मीठा चीज खाइएगा तो कहाँ पे टेस्ट लगेगा, आगे की ओर लगेगा। जब आप नमकीन खाते हैं तो नमकीन आगे से थोड़ा सा अंदर की ओर जो है वो नमकीन टेस्ट रहेगा, उससे अंदर खट्टा, सबसे लास्ट वाला छोर है दोस्तों वो कड़वा टेस्ट को संदेश करता है, किसके, कड़वा टेस्ट। यह जीव का भाग, जितना भी जीव का क्षेत्र है वो डिवाइड किया गया है कि खट्टा कहाँ पे, नमकीन कहाँ पे और मीठा कहाँ पे और कड़वा कहाँ पे टेस्ट अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है समान परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने के लिए कार्य कौन करता है, जो हमारे पेट में है दोस्तों जो अम्ल है HCl, हाइड्रो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है, ये क्या करता है दोस्तों, अम्ल क्या करता है, अंदरूनी पेट के भाग को जला देता है। इससे बचाने के लिए कौन कार्य करता है, इससे बचाने के लिए कौन कार्य करता है, वो कार्य का नाम है दोस्तों बलगम। क्या है कार्य का नाम, बलगम। कार्य का नाम क्या है, बलगम। अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है, अम्ल की अभिक्रिया से पेट के अंदरूनी परत को बचाने के लिए बलगम कार्य करता है। क्या होता है, अम्ल की अभिक्रिया से पेट के अंदरूनी जो परत है, अंदरूनी परत को बचाने के लिए, अंदरूनी परत को बचाने के लिए कौन सा कार्य करता है, तो बलगम कार्य होता है। क्या होता है, बलगम कार्य, ठीक है। पेट के दीवारों के रूप में गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है, जो पेट की दीवार होता है दोस्तों, पेट की दीवारों के रूप में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है, गैस्ट्रिक ग्रंथि होती है, किसके रूप में, पेट के दीवारों के रूप में, जो एक एंजाइम पेप्सिन बलगम और हाइड्रोक्लोरिक को स्रावित करने में मदद करता है। जो गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक ग्लैंडी है दोस्तों, ग्लैंड है दोस्तों ग्रंथि, वो क्या करता है, एक एंजाइम पेप्सिन बलगम और HCl को स्रावित करने में मदद करता है। HCl को स्रावित करने में क्या करता है, मदद करता है दोस्तों, कौन, गैस्ट्रिक ग्रंथि, ठीक है। जब पेट के अंदर प्रवेश करता है, तो जब पेट के अंदर जब HCl प्रवेश करता है दोस्तों, तो HCl भोजन के अंदर मौजूद रोगाणुओं क्या करता है, HCl क्या करता है, भोजन के अंदर जो रोगाणु मौजूद होता है उसको नष्ट कर देता है। HCl क्या करता है, भोजन के अंदर जो रोगाणु मौजूद होता है उसको क्या करता है, नष्ट करता है। यह एसिड क्रिया के कारण करता है, किस कारण, एसिड की क्रिया के कारण करता है। यह पेट के भीतरी परत को क्या करता है, जला देता है। भीतरी परत को क्या करेगा, ये भीतरी परत को जलाता है। भीतरी परत को क्या करता है, जलाता है। अगर आपके आंत में जलन और दर्द पैदा करता है तो समझ जाइए कि आपके पेट में एसिड ज्यादा हो गया, गैस ज्यादा हो गया है, ठीक है। पेट की दीवारों को एसिड से बचाने के लिए बलगम स्रावित होता है। क्या होता है, पेट के परत को, आंतरिक परत को बचाने के लिए, एसिड से बचाने के लिए कौन स्रावित होता है, बलगम स्रावित होता है। अब बताइए बलगम कहां स्रावित होता है, तो गैस्ट्रिक ग्रंथि से होता है। कहां से होता है, गैस्ट्रिक ग्रंथि से होता है बलगम स्रावित। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है, कौन सी पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। जो मांसाहारी पशु है दोस्तों, मांसाहारी पशु, उसमें छोटी आंत सबसे छोटी होती है।
आप इसमें देखिए मांसाहारी पशु कौन सा होता है, मांसाहारी पशु कौन सा है, तो मांसाहारी पशु है शेर। शेर में छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो सबसे छोटी होती है, ऑप्शन सी सही है। शाकाहारियों की अपेक्षा मांसाहारियों में क्या होता है दोस्तों, शाकाहारियों की अपेक्षा अपेक्षा मांसाहारी जो पशु होता है उसमें छोटी आंत क्या होता है, छोटी होती है, छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है। शाकाहारियों में सेलुलोज के पाचन में ज्यादा समय लगता है, जो शाकाहारी है दोस्तों, शाकाहारी क्या करेगा, घास घास पत्ता ही खाएगा, तो उसमें क्या होगा, हाँ जब घास पत्ता ही खाएगा शाकाहारी उसमें सेलुलोज खाएगा, उस साथ साथ में क्या खाएगा, सेलुलोज खाएगा, तो सेलुलोज को पाचन सेलुलोज के पाचन के लिए लंबा यानी कि ज्यादा समय लगता है, क्योंकि एंजाइम जुगाली करने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। एंजाइम जो है सेलुलोज को पचाने के लिए वो जुगाली करना पड़ता है, क्या करता है, जुगाली करना पड़ता है, इसलिए समय क्या लगता है, ज्यादा लगता है। छोटी आंत की लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है, किसमें, शाकाहारी में, मांसाहारी में छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है, निम्न में से किस अंग की व्यवधियों के निदान के लिए ईईजी इलेक्ट्रो इंसोफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है। एक होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, एक होता है दोस्तों ईईजी ईईजी, तो किसके लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रो इंसोफेलोग्राम की परीक्षण किसके लिए किया जाता है, तो करते हैं दोस्तों इसके लिए हम करते हैं मस्तिष्क के लिए करते हैं, किसके लिए, मस्तिष्क के लिए करते हैं, क्यों करते हैं, ईईजी के तकनीक के मदद से दोस्तों क्या करते हैं, मस्तिष्क की गतिविधियों के आधार पर मानसिक अवस्था क्या करते हैं, मानसिक अवस्था का पता लगाते हैं, मानसिक अवस्था का पता लगाते हैं, समान असमान स्थिति का पता लगाते हैं, इसके द्वारा न्यूरॉन्स जो न्यूरॉन्स है दोस्तों न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल गतिविधियों को रिकॉर्ड करते हैं, न्यूरॉन्स की ईजी के द्वारा क्या करते हैं, न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल गतिविधियों की पता लगाते हैं, इसके द्वारा ईजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंग पित्तरस स्रावित करता है, पित्तरस बाइल जूस कौन सा अंग है दोस्तों जो बाइल जूस का स्रावित करता है, वो अंग है एकृत, क्या है, एकृत, लीवर, लीवर द्वारा क्या होता है, बाइल जूस का श्रावण होता है, किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। अब देखिए यकृत के बारे में, यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, कौन सा है, यकृत है, ठीक है, जो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होता है, जो डायफ्राम है दोस्तों हमारे शरीर का डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होता है, कहां पे होता है, उदर गुहा, कौन सा, यकृत, उदर गुहा में स्थित होता है, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। यकृत कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रकार के द्रव स्रावित करती है, जो यकृत कोशिकाएं हैं विशिष्ट प्रकार के एक द्रव स्रावित करती है जिसे हम पित्त रस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, पित्त रस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसके, पित्त रस बोलते हैं। पित्त रस होता कैसा है, तो ये हरे हरे पीले रंग का होता है, हरे पीले रंग का होता है पित्त रस, ठीक है। इसका प्रकृति कैसा होता है, तो ये क्षारीय होता है दोस्तों, कैसा होता है, क्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, तो क्षारीय कहने का मतलब 7 से ऊपर होगा, तो इसका पीएच वैल्यू होगा 7.6 से 7.7 होगा, इसका पित्त रस का, ठीक है। जो भोजन को अम्लीय माध्यम, जो भोजन में अम्लीयता बढ़ जाता है दोस्तों, जब भोजन में HCl मिलता है तो अम्लीयता बढ़ जाता है, तो अम्लीयता को क्या करता है, अम्लीयता जो भोजन में अम्लीय को क्षारीय बना देता है, इसे कोई पाचन एंजाइम नहीं होता है, यह सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट करता है, कौन, पित्त रस, तथा बसा का पसीयकरण करता है, और बसा क्या करता है, पसीय
कर्म करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मानव के पित्त स्रावित होता है, कहां से होता है मानव के पित्त जो पित्रस वायु जूस है वो यकृत से स्रावित होता है, कहां से होता है यकृत से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है वाइल या वाइल जूस का स्राव कहां से होता है, तो यहां पे जिगर या यकृत ही बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं यकृत। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मानव पाचन तंत्र में पित्तरस का स्राव कहां से होता है, तो मानव पाचन तंत्र में पित्तरस का स्राव होता है यकृत से। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है शरीर के किस भाग में पित्तरस या बाइल जूस का उत्पादन होता है, तो किस में होता है, तो यकृत में होता है, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है, कौन सा पदार्थ जो है तो पित्ताशय में संग्रहित और सांद्रित होता है, तो सिर्फ और सिर्फ पित्तरस, कौन सा है पित्तरस है, पित्तरस क्या होता है पित्ताशय में संग्रहित होता है, ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका डी सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मानव शरीर का कौन सा अंग, मानव शरीर का कौन सा अंग पित्तरस का उत्पादन करता है, बाइल जूस का उत्पादन करता है, कौन है यकृत है, यकृत क्या है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पाचन के बाद प्रोटीन डॉट डॉट परिवर्तित हो जाता है, जो प्रोटीन है दोस्तों वो किसमें परिवर्तित हो जाता है पाचन के बाद, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन जो है पाचन के बाद एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, किसमें हो जाता है एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है प्रोटीन, ठीक है। पाचन के पश्चात प्रोटीन जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन है वो क्या होगा, प्रोटीन पाचन के पश्चात एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल में एमिनो एसिड में क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। पूर्ण विखंडन पर शुद्ध प्रोटीन्स की अणु सरल एमिनो अम्ल में अम्ल के अणुओं में टूटते हैं, जब पूर्ण विखंडन हो जाता है शुद्ध प्रोटीन्स क्या हो जाता है सरल एमिनो अम्ल में हो जाते हैं, अतः प्रोटीन्स एमिनो अम्ल के यौगिक है, प्रोटीन्स जो है दोस्तों क्या है एमिनो अम्ल के, एमिनो अम्ल के क्या है एमिनो अम्ल के एमिनो एसिड के यौगिक है, क्या है यौगिक है, ठीक है। प्राकृतिक में 20 से 22 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, कितने प्रकार के 20 से 22 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, कितने प्रकार के 20 से 22 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है, मानव जो है किसे नहीं पचा सकता है, ऑप्शन ए में कह रहा है सेलुलोज, बी में कह रहा है स्टार्च, सी में कह रहा है एमिनो अम्ल, डी में कह रहा है ग्लाइकोजन। जो सेलुलोज है दोस्तों, सेलुलोज ये मानव पाचन तंत्र द्वारा नहीं पचाया जा सकता है, सेलुलोज है क्या, क्यों नहीं पचाया जा सकता है, सेलुलोज है क्या, सेलुलोज जो है दोस्तों पेड़ पौधों के कोशिका भित्ति का, पेड़ पौधों के सेलुलोज क्या है, पेड़ पौधों की कोशिका भित्तियों का प्रमुख अवयव है, जो पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति है दोस्तों, क्या है कोशिका भित्ति, हम लोग कोशिका चैप्टर जब पढ़े थे तो उस टाइम चर्चा किए थे, जो कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति वो बनी होती है सेलुलोज की, किसके बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है, वो सेलुलोज मानव शरीर द्वारा, मानव पाचन तंत्र द्वारा नहीं पचाया जा सकता है। हरे पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति सेलुलोज का बनी होती है, यह एक कार्बनिक यौगिक है, सेलुलोज क्या है, सेलुलोज एक कार्बनिक यौगिक है, क्या है कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक है, सेलुलोज क्या है दोस्तों कार्बनिक यौगिक है, जो एक पॉलीमर के रूप में है, क्या है जो एक पॉलीमर के रूप में है, क्या है पॉलीमर के रूप में है, सेलुलोज क्या है जो एक पॉलीमर के रूप में। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर आगे अगला कह रहा है दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉट 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 को पचाने के लिए शाकाहारी की लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, इसको पचाने के लिए शाकाहारी जो जंतु होता है उसको लंबी छोटी आंत को, छोटी आंत की मतलब कि लंबा, कैसे बताया था कि शाकाहारी में क्या होता है छोटी आंत की लंबाई ज्यादा लंबा होता है और मांसाहारी में छोटा होता है, क्यों, क्योंकि सेलुलोज के पचाने में
ज्यादा समय लगता है, इसलिए छोटी आंत की लंबाई क्या होता है शाकाहारी में, लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, क्वेश्चन नंबर 19 का, लैक्टोज की असहनीयता क्या होता है, जो लैक्टोज है दोस्तों, जो लैक्टोज है, लैक्टोज उसकी असहनीयता क्या होता है, असहनीयता क्या होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है, यह एक ऐसी स्थिति जहां छोटी आंत ग्लूटेन को तोड़ने में असमर्थ होता है। ऑप्शन बी में कह रहा है, एक ऐसी स्थिति जहां फ्रक्टोज पूरी तरह से रक्त में अवशोषित नहीं हो पाता है, रक्त में अवशोषित नहीं हो पाता है। सी में कह रहा है, इसके लक्षणों में ग्लूटेन की प्रति प्रतिकूल प्रतिक्रिया शामिल है। ऑप्शन डी में दोस्तों, एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दूध उत्पादन में पाई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में असमर्थ होता है, क्या होता है, असमर्थ होता है, जो दूध में क्या होता है दोस्तों, लैक्टोज होता है। ऑप्शन डी सही है। अब कह रहा है लैक्टोज असहिष्णुता एक पाचन संबंधी विकार है, लैक्टोज जो असहिष्णुता है दोस्तों, ये जो लैक्टोज असहिष्णुता है ये क्या है, एक पाचन संबंधी लैक्टोज असहिष्णुता एक पाचन संबंधी विकार है, क्या है, विकार है। लैक्टोज असहिष्णुता क्या है, एक पाचन संबंधी विकार है जिसे छोटी आंत दूध उत्पादन कई जाने वाली शर्करा को तोड़ने में क्या होता है, असमर्थ होता है। दूध उत्पादन करने वाली शर्करा को तोड़ने में क्या होता है, असमर्थ होता है, कौन, छोटी आंत। लैक्टोज एक एंजाइम है जो दूध में क्या होता है, पाया जाता है। लैक्टोज क्या है दोस्तों, लैक्टोज एक प्रकार का एंजाइम है, क्या है, लैक्टोज एंजाइम है जो दूध में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, मनुष्यों में भोजन के पचाने की प्रक्रिया डॉट से शुरू होती है और कहां तक खत्म होती है, तो मुख्य गुहा से शुरू होती है दोस्तों, कहां शुरू होती है, मुख्य गुहा से शुरू होती है और छोटी आंत तक, यानी कि छोटी आंत तक जाते जाते क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, पाचन क्रिया क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। कहां शुरू होते हैं, मुंह से शुरू होता है और छोटी आंत तक जाकर के पूर्ण हो जाता है। देखिए छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, छोटी आंत क्या है, एक मानव पाचन तंत्र का हिस्सा है जहां भोजन का पाचन होता है, यह पेट और बड़ी आंत के बीच में स्थित होता है, पेट और बड़ी आंत के बीच में स्थित होता है कौन, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत स्थित होता है और अग्नाशीय नलिकाओं के माध्यम से पाचन में मदद करने के लिए पित्त अग्नाशय रस को अवशोषित करता है। छोटी आंत के तीन अलग अलग भाग है, छोटी आंत जो है दोस्तों, छोटी आंत उसके तीन अलग अलग भाग है। छोटी आंत के कितने अलग अलग भाग है, तीन अलग अलग भाग है, कौन कौन, पहला भाग है डुओडेनम, क्या है, डुओडेनम पहला भाग क्या है, डुओडेनम। दूसरा भाग है दोस्तों जेजुनम, क्या है, जेजुनम। तीसरा है ईलियम, क्या है, ईलियम। ये तीन क्या है, छोटी आंत का भाग है, कौन, डुओडेनम, जेजुनम और ईलियम, ये तीन भाग है। आगे इसको डीपली से चर्चा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, खुर वाले जानवरों के अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा, खुर वाले जानवरों का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है दोस्तों वो होता है रूमेन। जिसकी जैव जानवर के पास खुर है कि अमाशय का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, रूमेन। अब कहते हैं रूमेन क्या है, रूमेन अमाशय का पहला भाग है। रूमेन क्या है दोस्तों, रूमेन अमाशय का पहला भाग है, कौन, रूमेन, ठीक है। इसे प्रथम पेट भी कहा जाता है, रूमेन को क्या बोला जाता है दोस्तों, रूमेन को प्रथम पेट भी बोला जाता है खुर वाले जानवरों को, ठीक है। कहते हैं रूमेन जो है दोस्तों रोमंथक या जुगाली करने वाले खुरदार स्तनधारी होते हैं जो रूमेन में अपना भोजन नरम करते हैं, जो जुगाली करते हैं दोस्तों, जब कोई भी जानवर खाना खा लेता है तो रूमेन में क्या करता है, जमा करता है,
रूमेन में जमा करने के बाद क्या करता है दोस्तों, वह जुगाली करता है। भोजन जुगाली के समय क्या करता है, जुगाली के समय भोजन को नरम कर देता है। क्या करता है, नरम करता है भोजन को, जुगाली करके भोजन को करता है नरम करता है। और फिर जुगाली करने के फिर करता है नरम करते हैं और फिर जुगाली करके पुनः भोजन को पचाते हैं। जुगाली करके क्या करते हैं, पुनः भोजन को फिर से पचाते हैं। तो सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ा हिस्सा क्या है अमाशय का, तो रूमेन है। क्या है, रूमेन है सबसे बड़ा हिस्सा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है। जो मानव शरीर है दोस्तों उसके आहार नाल का हिस्सा नहीं है, तो मलाशय, ग्रास नली और ग्रसनी, ये सब क्या है, आहार नाल के हिस्सा है। लेकिन श्वास नली जो है दोस्तों वो आहार नाल की हिस्सा नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नल होती है। कितना, 8 से 10 मीटर लंबी, 8 से 10 मीटर लंबी क्या होती है, लंबी लंबी आहार नाल होती है दोस्तों। क्या होती है, आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी, ठीक है, जो मुख से लेकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल को 5 भागों में बांटा गया है, आहार नाल को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है, आहार नाल को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। पहला कौन सा है, पहला है मुख, पहला है मुख, दूसरा है ग्रसनी, दूसरा क्या है, ग्रसनी, तीसरा क्या है दोस्तों, ग्रस नली। पहला मुख, दूसरा ग्रसनी और तीसरा है ग्रास नली, ग्रास नली। चौथा जो है, चौथा वो है अमाशय, चौथा क्या है, अमाशय, चौथा है अमाशय, चौथा क्या है दोस्तों, अमाशय। और पांचवा है जो लास्ट है, आंत, पांचवा क्या है, आंत, लास्ट। ये सब क्या है, ये सब जो है से आहार नल है। पांच भाग क्या है, आहार नल है, मुख, ग्रसनी, अमाशय, और इसका मुख्य कार्य है आहार यानी भोजन अवयवों को पचाना और शरीर के सही भागों को पहचाना, पहुंचाना। क्या करता है ये, अब जो भोजन है उसको क्या करना, भोजन को पचाना, भोजन को पचाना, और जो प्रोटीन है उसमें से जो भी तत्व है उसको क्या करना, सही शरीर के सही भागों में पहुंचाना। जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण जो भी है उसको शरीर के सारे भागों में पहुंचाना। अब आता है श्वास नली के बारे में। श्वास नली जो है दोस्तों वो सांस लेने में सहायक होती है, जो गले को फेफड़े से जोड़ती है, जो गले क्या करता है, फेफड़े से जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं, श्वास नली। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि है, अभी चर्चा किए थे कौन सी ग्रंथि है, वो ग्रंथि है अकृत। अकृत से क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है अकृत से। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अकृत। अकृत का लगभग वजन कितना होता है, तो लगभग वजन होता है 1.5 से 2 केजी। स्वस्थ मनुष्य में क्या होता है, 1.5 से 2 केजी होता है इसका भार। अकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है, आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, 24 कह रहा है, मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है, किसका आकार जो है से सबसे बड़ा होता है, आकार जो है सबसे बड़ा होता है, वो है अकृत का आकार सबसे बड़ा होता है, जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक है दोस्तों अंग है यकृत है। क्या है, यकृत है, लीवर है। तो 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन करें। चलिए रहने देते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।